नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्फाइटम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिम्फाइटम दवाई कहां यूज़ की जाती है, यानी किन डिजीज़ और किन सिम्टम्स में इसे पेशेंट को देना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, सिम्फाइटम दवाई के सिम्टम्स की बात की जाए तो ये दवाई हड्डियों को जोड़ने में काम आती है, यानी अगर पेशेंट को चोट लगती है, चोट के कारण पेशेंट को फ्रैक्चर आता है, ये दवाई देने से पेशेंट का फ्रैक्चर ठीक होता है। साथ ही दोस्तों, फ्रैक्चर के कारण पेन में भी ये दवाई आराम करती है। इसके अलावा दोस्तों, इसे आँख की चोट में भी दिया जाता है, यानी अगर पेशेंट को आइज़ में इंजरी हो जाए, वो किसी चीज़ के लगने के कारण हो, ट्रोमा हो, तो इस दवाई के देने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दोस्तों, सिम्फाइटम दवाई को पेट के रोगों में भी यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट को लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में अल्सर हो जाए तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। साथ में अगर पेशेंट को पेट दर्द हो, एनल रीजन पर इचिंग के साथ पेन हो, बवासीर के कारण पेशेंट को ब्लीडिंग होती हो, ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई देने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दोस्तों, इसके अगले सिम्टम्स की बात करें तो इसे सिर दर्द में भी दिया जाता है। अगर पेशेंट को सिर में दर्द हो, माथे में दर्द हो, दर्द जगह बदलता रहता है, जैसे नाक की हड्डी में हो जाता है, या फिर पेशेंट को जबड़े में इन्फ्लामेशन के साथ दर्द हो, तो ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई दी जाती है। दोस्तों, वैसे तो सिम्फाइटम दवाई का यूज़ ज़्यादातर चोट लगने के कारण हुई परेशानियों में किया जाता है, लेकिन इसका और जगह भी यूज़ किया जाता है, जैसे जॉइंट्स पेन में यानी जोड़ों के दर्द में, या फिर बैक पेन में यानी अगर पेशेंट को पीठ में दर्द होता है तो भी इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों, इस दवाई की पोटेंसीज की बात की जाए तो इसे क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, 30 CH, 200 CH और 1 M पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिम्फाइटम या होम्योपैथी की किसी भी दवाई का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए, यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी पेशेंट की परेशानी अलग होती है, इसलिए पोटेंसीज भी अलग दी जाती है और उसकी डोज भी अलग रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से मिले और सलाह लेकर ही इस दवाई का सेवन करें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।